वनों के बारे में या वनस्पतियों के बारे में देखेंगे तो इसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा वनस्पतियों के बारे में इसका थोड़ा भौगोलिक वितरण के बारे में देखेंगे वैश्विक स्तर पर आखिर थोड़ा सा जानेंगे क्योंकि आप अगर जो वैश्विक स्तर पर जान जाएंगे वनस्पतियों के बारे में तो इसको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलूंगा और बताएंगे कि आखिर किसी भी वनस्पति के लिए कौन कौन सी दशाएं होती किन से प्रभावित होती हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए

सबसे पहले हम देखेंगे वर्षा के आधार पर वर्षा के आधार पर हम देखेंगे कि कैसे डिवीजन करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि जहां ज्यादा वर्षा होती है वहां पर कैसे वन पाए जाते हैं वहां पर सदाबहारी वन पाए जाते हैं थोड़ा कम होगी तो वहां पर कैसे होंगे कि पड़पाती वन पाए जाएंगे और कम होगी तो शुष्क वन पाए जाएंगे तो अर्थात वर्षा का इसमें काफी ज्यादा रोल होता है और पूरी वनस्पतियों को अर्थात किसी भी वन को फलने फूलने के लिए पानी की बहुत जरूरी होती है अर्थात वर्षा की काफी मात्रा होती है अगर जो आप भी आप पानी पीना बंद कर देंगे तो क्या होगा मर जाएंगे इसलिए पानी क्या है बहुत ज़रूरी है उसी तरीके से तापमान है तापमान है इस समय देखिए सर्दी का मौसम चल रहा है तो मैं जैकेट पहन के बैठा हुआ हूँ मतलब पढ़ा रहा हूँ आपको अगर जो ये गर्मी होती तो मुझे जैकेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ती तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक अर्थात कहने का मतलब किसी भी वनस्पति को फलने फूलने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता हो होती है उच्च का मतलब ये नहीं कि सौ डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल टेम्परेचर होनी चाहिए जैसे तीस से पैंतीस डिग्री के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए तभी पेड़ क्या होते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो करते हैं तो तापमान जहाँ पे तापमान ज़्यादा है तो वहाँ पर भी सदा भारी वन पाए जाते हैं तापमान अधिक है अब जहाँ पे तापमान कम है एग्जाम्पल के तौर तो पे आप टा टैगा ले लीजिए तो वहाँ पर क्या होता है तापमान कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वनों में काफ़ी ज़्यादा अर्थात जो उन वनों में विविधता बहुत कम देखने को मिलती है शंकुधारी वन लगे हैं तो शंकुधारी वन ही है उसमें कोई जीव वगैरह नहीं रहता है जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऊंच कटबंदी क्षेत्रों के वनों को ले लेंगे तो वहाँ पे कई प्रकार के जीव आपको देखने को मिलेंगे लेकिन अगर जो आपसी शीत ऋतु अर्थात शीत कटिबंध के किसी भी वन को ले लेंगे तो वहाँ पर आपको जीव जैवों की विविधता देखने को मिलेगी नहीं, नहीं मिलेगी क्योंकि प्रत्येक जीव को उसमें ढालने के लिए टेम्परेचर जो है मान लीजिए हम लोग का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का टेम्परेचर तो उसको मेंटेन करना भी पड़ेगा क्योंकि आप जीरो डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा क्यों मैं ये जैकेट इसीलिए पहना पहनाऊँ क्योंकि जो मनुष्य है वो विश्व तरीखी क्षेत्रों में रहने के लिए बना हुआ है तो तापमान को पेड़ों को बन अर्थात ग्रो करने के लिए तापमान की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है तापमान के आधार पर भी हम क्या करेंगे वनों को डिवाइड करेंगे कैसे कैसे वन डिवाइड होंगे उनको मैं तापमान के आधार पर डिवाइड होंगे समुद्र से दूरी समुद्र से दूरी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए जैसे ये बंगाल खाड़ी है इस तरफ अरब अरब सागर है और जब आप समुद्र से दूरी जैसे मान लीजिए भारत में जैसे जो मानसून आता है मानसून आता है तो आप जान रहे हैं कि इस तरफ से क्या होता है इस तरह से आता है यहाँ पर तो वर्षा की मात्रा मैंने बताया ना वर्षा की मात्रा वर्षा कैसे होगी मानसून से वर्षा होगी बारिश होगी वर्षा होगी तो जब समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगी वर्षा क्या होगी कम होती चली जाएगी क्योंकि वर्षा का जो वितरण है वो जो इस तरफ से आप देखेंगे तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटता चलाता है क्योंकि यहीं से मानसून उठ रहा है ये मैं गर्मियों की बात बता रहा हूँ तो इस तरफ क्या हो रहा है ये वर्षा इस तरह से कम होती चली जाती है अर्थात जैसे ये समुद्र से दूरी बढ़ती जाएगी अर्थात तो महाद्वीपीय जलवायु की ओर जैसे हम पहुंचेंगे उस क्षेत्रों में क्या होगा इसी वनों की अर्थात तो वनों में क्या होगा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है पड़पाती टाइप के वन हमें देखने को मिलेंगे तो याद रखेगा दूसरा है ढलान ढलान की क्या आखिर जरूरत है तो आप एग्जाम्पल के तौर तो पे अच्छा उदाहरण के तौर तो पे हिमालय को ले लीजिए हिमालय हिमालय क्या है कि अगर जब हिमालय के दक्षिणी क्षेत्र में अर्थात इस तरफ आप देखेंगे तो कई आपको बहुत सारे वन आपको पेड़ पौधे आपको देखेंगे ये पूरा हिमालयी क्षेत्र है तो इसमें कई सारे आपको इस ढलान में अर्थात दक्षिण की ढलान की तरफ आपको कई सारे वन देखने को मिलेंगे और उत्तर की ओर जैसे आप उस तरफ तिब्बत की तरफ चले जाएंगे आपको पेड़ पौधे वहाँ पर नहीं मिलेंगे कुछ खास पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो ढलान के अर्थात ढलान की अगर आप देखेंगे तो ढलान किस तरफ होनी चाहिए यह ढलान अगर जो सूरज की दिशा की ओर है तो वहाँ पर उनको प्रकाश वगैरह अच्छे से मिलता रहता है इस वजह से पौधे अच्छे से ग्रो करते रहते हैं इस वजह से ढलान भी वनस्पतियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी देखना ढलान है किस तरफ वनस्पति को प्रभावित करने में ढलान की भी मुख्य भूमिका होती है वहीं अगर जब दक्षिण हिमालय के क्षेत्र में अर्थात इस तरफ उत्तर की तरफ की भारत की तरफ की ढलान की अगर जो रुक करेंगे तो आपको कई सारे सदाबहार पड़पाती वन और कई सारे आपको पर्वती वनों में भी कई सारे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे लेकिन जैसे ही उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएंगे तिब्बत की ओर तो चुंडा टैगा जैसे पेड़ मिलेंगे मिलेंगे कौन वहाँ पर मिलेगा पांडा जैसे जीव मिलेंगे कुछ खास वनस्पतियाँ होंगी नहीं सब तरफ बर्फ़ी बर्फ बस बर्फी बर्फ़ तो उसी लेकिन इस तरफ क्या है क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो सूरज की किरणें जब इसकी तरफ सीधे पड़ती रहती हैं इस वजह से क्या होता है सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है यहाँ पर पौधों को अच्छा प्रकाश मिल पाता है इसलिए पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं उत्तर में ऐसा उस तरफ नहीं हो पाता है और मैं बता दूँ कि कई ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में आप देखेंगे रेगिस्तानी क्षेत्रों में ले लीजिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं वो पेड़ों की अर्थात जो ढलान की मैं बात बताएं ना तो जैसे पेड़ जो होते हैं रेगिस्तान के उनकी आप देखेंगे तो हमेशा उनकी जो वो दक्षिण की ओर मुड़े हुए होते हैं अधिकतर पेड़ आप रेगिस्तानी क्षेत्र में देखेंगे क्योंकि उनको वो पेड़ क्या होता है दक्षिण की ओर इसलिए मुड़ जाते हैं क्योंकि धूप वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पड़ती रहती है तो दक्षिण की ओर मुड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जो आदिवासी हैं वो पर्वतों की ढलान से बर्फ़ के पिघलने के रूप के आधार पर दिशा का भी अंदाज़ा लगाते हैं क्योंकि जो जो ढलान दक्षिण की ओर होगी वो सूरज के ठीक किरणें उसमें पड़ेंगी तो वहाँ पर बर्फ थोड़ी कम जमेगी और जो ढलान उसके उल्टी दिशा में होगी वहाँ पर क्या होगा बर्फ़ ज्यादा जमी होगी क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें सीधे नहीं पड़ती इसलिए वहाँ पर तो थोड़ा ठंडा रहता है तो ये सब है ढलान के आधार पर भी वनस्पतियों का डिवीजन फिर है मिट्टी मिट्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी अर्थात आप जान रहे हैं कि काली मिट्टी है जलोड़ मिट्टी है दलदली मिट्टी है अलग अलग मिट्टियों के आधार पर भी अलग अलग क्योंकि अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं तो उन मिनरल्स के आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी वनस्पतियाँ कहाँ पर होंगी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए तो आप सुंदरी वृक्ष को ले लीजिए एग्जाम ये मैनग्रो वनस्पतियों में, में मिले ले लीजिए तो दलदली मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर ये उगेंगे अर्थात दलदली मिट्टी में हमें देखने को मिलेंगे और आप काली मिट्टी में ले लीजिए काली मिट्टी में आप देख ले सोयाबीन वगैरह ये सब खेती काली मिट्टी में ही की जाती है क्योंकि उन क्षेत्रों में क्या होता है वो काली मिट्टी के अंदर जो भी मिनरल होते हैं वो उस वनस्पति के अनुकूल होने चाहिए तभी वो वहाँ पर वनस्पतियाँ उगेंगी तो मिट्टी में भी अर्थात किसी भी पेड़ पौधों के फलने फूलने के लिए मिट्टी की भी काफ़ी अहम भूमिका होती है मिट्टी बिल्कुल अहम रोल निभाती है दूसरा आप कार्ड देखिए पवने पवन की मैंने बताया अगर जो किसी भी क्षेत्र में पौने काफ़ी तेज चल रही होंगी तो पवने अपने साथ क्या करती नमी को उड़ाते हुए ले चली जाएंगी तो अगर जो नमी को उड़ा के ले के चली जाएंगी तो उन क्षेत्रों में क्या होगा पौधों मतलब पौधों में नमी की कमी होगी नमी की कमी में ऐसे पौधे वहाँ पर उगेंगे जिन वो पौधे जिनमें नमी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है तो ये पवनों की भी मुख्य भूमिका है दूसरा प्रकाश प्रकाश को मैंने बताया प्रकाश अगर जो सीधे डायरेक्ट पड़ रहा है तो इसीलिए विश्व तरह की क्षेत्रों में जैविकता में ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश सीधे पड़ता है तो प्रकाश को आप याद रखिए और ऊंचाई है ऊंचाई और तापमान को एक साथ हम पढ़ सकते हैं जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होगा हर एक मीटर की ऊंचाई पर जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी हमें देखने को मिलती है अगर जो ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान काफी कम हो जाएगा तापमान कम होने की वजह से आप विश्व तरह क्षेत्रों में भी वो वही वनस्पतियाँ देख सकते हैं जो टुंडा और टैगा में अर्थात तो जो आप अच्छांसी विस्तार में आप जब देखते हैं वही आप वहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएंगी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप, आप एग्जाम्पल के तौर पर किलमंजारों ले लीजिए किल मंजारों कहाँ अफ्रीका का किलमंजारों सबसे ऊंचा पर्वत अफ्रीका का तो किल को जब आप देखेंगे तो आपको किलमंजारों की चोटी पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी जबकि किल मंजारो कहाँ है किल तो आप अफ्रीका में है सीधे सीधे गर्मी का मल इक्वेटर के बिल्कुल पास है तो वहाँ पे बर्फ कैसे जमी हुई वनस्पतियाँ आपको टैगा टाइप की भी देखने को मिल जाएंगी वनस्पतियाँ तो आखिर ऐसा कैसे क्योंकि ऊंचाई पर चलते चले गए एक सेंटीमीटर एक मीटर जाने पर एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता चला गया घटता चला गया इतनी ऊंचाई पर चले गए कि टेम्परेचर इतना घट गया कि वो सोने से भी नीचे चला गया वनस्पतियाँ फिर जैसे टेम्परेचर उसी तरीके से वनस्पतियाँ क्योंकि लेकिन फिर उसी वनस्पति के अर्थात ऊंचाई से जब पर्वतों के नीचे की ओर आते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं जैव विविधता की प्रवणता आप मैंने आपको इन्वायरमेंट में बताया था जिसके बारे में जैव विविधता की प्रवणता क्या होती है जब हम किसी पर्वत की ढलान से नीचे की ओर आते हैं तो वहां पर क्या होती है बहुत से वनस्पतियों में ऐसा जैव विविधता में जो भिन्नता देखने को मिलती है वही जैव विविधता की प्रवणता है लेकिन इन सब को आपस में मिला दीजिए आपस में सब सभी क्या होते हैं आपस में कारक हैं इनको मिलाने के बाद में जो भौगोलिक स्थिति हमें देखने को मिलती है किसी एक पेड़ को उगने के लिए तो वही उसी के आधार पर हम क्या करेंगे कैटेगराइज कर देंगे कौन कौन सी वनस्पतियां कहाँ कहाँ पर होंगी तो थोड़ा सा अच्छा आधार पर मैं बेसिक तौर पर आपको बताऊँ तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है ये पृथ्वी है ये क्या है विश्वत रेखा है अभी मैं आपको ये जो डिवीजन बता रहा हूँ ये डिवीजन क्या है एक हम फ्लैट तौर पर अर्थात तो क्षैतिज रूप से विभाजन कर रहे हैं इसमें ऊर्ध्वाधर मैं आपको भी इसमें नहीं बता रहा हूँ ये सिर्फ क्षैतिज रूप से विभाजन है अगर जो पूरे पूरे जितने भी उच्चावच हैं अगर कोई भी पर्वत हो चाहे वो एकाकांगुआ हो चाहे आप इंडीज हो चाहे जो भी पर्वत है सबको काट के बराबर कर दीजिए प्लेन कर दीजिए फिर जब जब अर्थात जो वनस्पतियों में चेंजेस आएंगे किसके आधार पर अर्थात अच्छासी विस्तार के आधार पर जो डिवीज़न होगा उसको मैं बता रहा हूँ तो उसको पहले देखते हैं फिर हम आएंगे जब हम किसी विश्वत रेखी में जब पर्वत मिल जाएगा तो उसके भी डिवीज़न में हम बाद में बताएंगे तो इसको थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप देखेंगे तो ये क्या है ये है विश्वत रेखा विश्वत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जो बारिश होती, होती है वो काफी ज्यादा होती है बारिश अधिक होने की वजह से क्या है इस क्षेत्र में हमेशा तापमान भी अधिक रहता है बारिश भी होती रहती तो ह्यूमिड कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर वनस्पतियाँ हमेशा कैसी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी सदाबहरी वनस्पतियाँ पाई जाएंगी अर्थात हमेशा यहाँ पर अर्थात विश्वती वन पाए जाएंगे लेकिन इससे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे थोड़ा सा ऊपर बढ़ने पे क्या होगा तापमान कम होगा तापमान कम होने की वजह से क्या होगा यहाँ पर जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी वो कैसी होंगी शीतोष कटबंधीय अर्थात तो उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे मानसूनी वन वगैरह इसमें इसमें आ जाएंगे तो क्या होंगे इन क्षेत्रों में पाए जाएंगे इसमें भी डिवीजन करेंगे मानसूनी वन भी अर्थात कुछ प, पौधों में जैसे मैंने बताया कि जैसे ऊंचाई इस अच्छासी जैसे ये जीरो डिग्री था हम पहुंच गए साढ़े तेईस पे तो साढ़े तेईस पहुँचेंगे तो सीधी बात है तापमान में भी कमी आएगी तापमान में कमी के साथ साथ वर्षा में भी कमी आएगी लेकिन पौधों की जो भिन्नता के आधार पर पौधे अपनी नमी बचाने के लिए क्या करेंगे वक्त द वक्त अपनी पत्तियाँ गिराना शुरू कर देंगे इसके बाद में शीतोष्ण के बाद हम जो ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टैगा टैगा जो होती है टैगा के बाद फिर देखने को मिलेगा टुंडा वनस्पतियाँ टुंडा वनस्पतियाँ के बाद भी एक होती है जिसको परमा फॉरेस्ट बोलते हैं अर्थात ऐसी वनस्पतियाँ जो परमानेंट क्या होती हैं बर्फ़ में ढकी रहती हैं जमी रहती हैं तो ये हो गया डिवीजन जैसे कि उत्तरी गोलाद में किया वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से दक्षिणी में कर देंगे लेकिन इसमें भी क्या किया गया कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है ये तो मुख्य रूप से मैंने बता दिया कि ये विश्व तेखी है शीतोष है शीतोष के बाद फिर टुंड्रा है फिर, फिर टैगा है फिर परमा फॉरेस्ट है तो इन लेकिन इसमें भी जब आप देखेंगे तो कई कैटेगरी हमें देखने को मिलती है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऊष कटबंदी सदाबहारी है तो ऊष कटबंदी अर्ध सदाबहारी मिल जाएगा उपोष कटबंधी देखने को मिल जाएगा आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिल जाएगा और मरुस्थली वन देखने को मिल जाएंगे मरुस्थली वनस्पतियों के बाद में देखेंगे तो पर्वतीय वनस्पतियाँ अलग मिल जाएंगी तो ये कैटेगराइज डिवाइड किया गया जो इन सब के और एक आपको देखने को मिल जाएगी पश्चिमी तुल्य जलवायु हम लोग पढ़ते हैं तो इन सब के बारे में देखेंगे सभी मिलती हैं लेकिन जो ये पार्ट है ये वाला पूरा पोर्शन मैं इसको वर्ड क्लाई वर्ड क्लाइमेट में खैर नहीं वर्ड अर्थात तो वर्ड वेजिटेशन में आपको बताऊंगा वैश्विक वनस्पति की जब मैं बात करूंगा विश्व स्तर पर तो उनके बारे में इनको बताएंगे भूम सागरी जलवायु की बात आ जाएगी भूमन सागरी वनस्पतियों की बात आ जाएगी ये सब हम डिवीजन उसमें बताएंगे इन सब में भी जो बताया मैंने इनका कुछ पार्ट क्या है वो भारत में भी वनस्पतियां हमें देखने को मिलती हैं जो इन सब में जो मैंने बताया उन्हीं मले जैसे मान लीजिए बीस प्रकार की वनस्पतियां हैं तो उनमें से कितने प्रकार भारत में हैं उनको मैं भारत के संदर्भ में आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए क्योंकि ये मैं अभी मैं इस वीडियो में भारत की वनस्पति के बारे में बता रहा हूँ इसलिए मैं इसमें वैश्विक जगत की वनस्पतियों के इसमें शामिल नहीं करूँगा सिर्फ भारत की वनस्पतियों की मैं चर्चा करूंगा तो उन्हीं सब कारकों को प्रभावित करने वाले कारकों को दृष्टिगत रखते हुए भारत में वनस्पतियों के वर्गीकरण को हम निम्न पाठ के आधार पर पढ़ सकते हैं जिनमें से पहला है ऊष्करबंदी सदाबहार वन उष्ण कटबंधी सदाबहार वन उष्ण जान रहे कि जीरो से थोड़ा सा आपको बता दूं उष्ण क्या है उष्ण है कटिबंध है अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे आप इसी मैप को एग्जाम्पल लीजिए इसी को जान है जैसे मान लीजिए यह है ये पृथ्वी है पृथ्वी पे जीरो डिग्री लाइन जीरो डिग्री लाइन के ऊपर कर्क रेखा या कैंसर लाइन नीचे की ओर मकर रेखा या कैप्रिकॉन तो ये जो इसके बीच का जो क्षेत्र इसको हम बोलते हैं विश्वत सॉरी इसके बीच का जो क्षेत्र होता है ऊंच कटबंध बोला जाता है इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर साढ़े छाछठ पे जो एक रेखा बनी है इसको हम बोलते हैं आर्कटिक व्रत नीचे की ओर है अंटार्कटिक व्रत साढ़े छाछठ पे तो इन दोनों के इसके इसके बीच का और इसके इसके बीच को बोलते हैं शीतोष और इसके ऊपर पे शीत है ये हो गया तो हमें मेन रूप से इस इस पोर्शन को देखना है ऊंच कटबंधी सदाबहार वन ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा दो सेंटीमीटर के ऊपर होती है उन क्षेत्रों को वहाँ पर जब ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाएगी लेटराइट पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी में निछालन की प्रक्रिया अधिक होती है बारिश बार बार होने की वजह से उसके जो पोषक तत्व तो हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक पहुँच जाती हैं और वहाँ पर बड़े आराम से वो उगते रहते हैं लेकिन दूसरी बात इसके परे दूसरी यहाँ पर नॉर्मल में खेती वगैरह ज़्यादा नहीं की जा सकती क्योंकि जो खेती मान लीजिए निछालित मृदा में क्या होता है पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं तो जो जो खेती वाले पौधे होते तो हैं उनकी जड़ी काफी नीचे होती है यहीं तक होती है ज्यादा नीचे नहीं पहुंच पाती इसलिए खेती यहाँ पर ज्यादा संभव नहीं होती है। वर्षा दो सेंटीमीटर से अधिक वनों की लकड़ियां कठोर होती हैं, वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है बहुत अधिक बारिश होने की वजह से क्या होता है पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जाते हैं और एक पौधा जैसे दूसरे से कंपटीशन होता रहता है कि हम शेर तो तुम सवार शेर वो थोड़ा बढ़ेगा वो उससे ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और काफ़ी पेड़ क्या होते हैं बहुत चालीस से पचास मीटर तक सौ मीटर तक बताते हैं कि पहुंच जाते हैं इतने ऊँचे पेड़ चले जाते हैं तो ये ऊर्ज सदाबहार वन ये देखिए ये पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे पश्चिमी घाट के साथ साथ जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश पश्चिमी घाट में हमें देखने को मिलती है पश्चिमी घाट के साथ साथ आप देखेंगे तो आपको ये वाला जो मेघालय का क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलती है तो मुख्य रूप से ये वनस्पतियाँ आप देख लीजिए इसमें आप कोंकड़ है कन्नड़ है मालावार इन क्षेत्रों में मिलेगा ऊपर की आप देख लीजिए तो यहाँ पर ये मेघालय के पठार के आसपास के क्षेत्रों में चेरापूंजी के आसपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भी क्या होती है खूब बारिश होती है बारिश जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर ये ऐसी कंडीशन पाई जाएगी बारिश ज़्यादा है तो लेटराइट मिट्टी लेटराइट मिट्टी ज़्यादा है तो ऐसी वनस्पत पाई जाएंगी उनमें आप उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों में आप ट्री के के नाम सुनेंगे जिससे बल्ले वगैरह बनाए जाते हैं ये सब पेड़ देखने को मिलेंगे बांस भी आपको देखने को मिल जाएगा और महोगिनी के पेड़ और भी टाइप के पेड़ आपको देखने को वहां पर मिल जाएंगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बाद हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं जो शुष्क पड़पाती वन एक होते हैं आद्र पर्णपाती वन तो दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं बस शीत ऋतु की अवधि के दौरान का डिफरेंस है उसको मैं भी आपको बताता हूँ क्या कि दोनों में डिफरेंस क्या है ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा सत्तर से दो सेंटीमीटर शुष्क ऋतु में पतझड़ लकड़ी मुलायम आर्थिक दृश्य महत्वपूर्ण सागौन साल ताल शीशम आदि पेड़ ये तो हो गई वन लाइनर बातें जो मैंने लिखी हुई इनको आप याद कर लीजिएगा अब थोड़ा सा इसके और थोड़ा सा हम आपको बताते हैं वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर आप देखिए ये इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा हूं एक है एक है शुष्क और एक है आद्र आद्र वन आद्र वन का मतलब जहाँ पर क्या होगी बारिश होती हो अर्थात तो मानसूनी वन के ऐस, ऐसे ऐसे जहाँ पर बारिश वगैरह होती रहती हो अर्थात तो मानसून के टाइम पर बारिश होती हो उनको बोलते हैं क्योंकि जब जब गर्मी का सीजन आता है जब काफ़ी गर्मी पड़ रही होती है तो ये क्या करते हैं पत्ती ये पौधे क्या करते हैं अपनी पत्तियाँ वगैरह गिरा देते हैं दोनों की क्वालिटी है ये आद रोज चाहे ये गर्मी के टाइम पर अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन सर्जन की क्रिया क्या हो कम हो सके जून के महीने में आप देखेंगे आपको सीसम जैसे पेड़ अपनी पत्तियां गिराए हुए आपको देखते हैं मिल जाते हैं ये इसलिए गिरा देते हैं ताकि वो गर्मियों के मौसम में शीतोष सॉरी गर्मियों के मौसम में उनके वास्पोत सर्जन की प्रक्रिया क्या हो कम हो ताकि अपनी नमी बचा सकें क्योंकि उनको अपनी जून भी क्रॉस करना है जुलाई में बारिश होगी तो अपने आप से फिर उनमें नई पौधों की कोपले वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे तो याद रखिएगा शुष्क है आदर है शुष्क में थोड़ा सा बारिश अर्थात शुष्क में जब ड्राई का सीजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आदर में क्या होता है ड्राई का सीजन थोड़ा कम होता है बारिश वगैरह होती रहती है इसलोक शुष्क बाद तो बारिश के अर्थात जिस हिसाब से बारिश होगी उस हिसाब से इनको डिविजन किया कर दिया जाएगा तो जो ये वाला पोर्सन आप देख रहे हैं ये ये वाला पोर्सन पूरा ये पोर्सन ये वाला पोर्सन इधर से मानसून उठा जब मानसून उठेगा तो बारिश कहाँ होगी बंगाल हो गया उड़ीसा हो गया छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया ऊपर की ओर आप ले लीजिए तो आसाम का क्षेत्र हो गया उत्तरी यूपी हो गया बिहार का उत्तरी क्षेत्र इन क्षेत्रों में खूब बारिश होती है जब अधिक बारिश होने की वजह से इनको क्या बोलते हैं आद्र प्रपाति वन के अंतर्गत ये क्षेत्र रखा जाता है इनमें याद रखिएगा ये वाला पूरा सेक्टर आद्र प्रपाती वन के अंतर्गत आता है इनको याद रखिएगा दूसरा शुष्क वन ये सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा है शुष्क पड़पाती वन का मतलब कि थोड़ा जिसमें सीजन थोड़ा ज़्यादा हो जाता हो इसलिए उनमें आप देखेंगे तो ये वाला पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र आप ले लीजिए तो इनमें आप एग्जाम्पल के तौर तो पर आप लेंगे तो उत्तर प्रदेश हो झारखंड हो मध्य प्रदेश हो महाराष्ट्र का क्षेत्र हो इधर आंध्र प्रदेश हो तेलंगाना हो तमिलनाडु हो इन सब क्षेत्रों को क्या होता है ये सब क्षेत्र क्या होते हैं इसी क्षेत्र में आते हैं पूरा क्षेत्र नहीं आता जैसे मैंने मैप बनाया उसी आधार पर समझ लीजिए ये वाला क्षेत्र आता है और भी इनमें कैटेगराइज किया गया लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर जाने की कोई खास जरूरत है नहीं तो इसको याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र इसी में आता है इन क्षेत्रों में क्या होता है दरअसल अभी मैंने जैसे बताया था जो ऊंच सदाबहार वन होते हैं इनकी लकड़ियों का हम खास यूज नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ियों में क्या होती है विविधता पाई जाती है अर्थात एक पेड़ यहाँ मिले इससे मतलब कि एक पेड़ जैसे लगा हुआ है कोकोवा का चॉकलेट का पेड़ है दूसरा कई वालसा का पेड़ है तीसरा कोई और है चौथा कोई और इसलिए आप उसको इमारती लकड़ियों में उसका यूज़ नहीं कर सकते उनको काटना भी क्या बड़ी बड़ी समस्या है खैर अब तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही पेड़ काटे ही जा रहे हैं तो लोग हर जगह अपने रहने के लिए बांस वगैरह बना रहे हैं तो लेकिन आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो ये व्यवसायिक दृष्टि से ये पेड़ बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं क्योंकि इनमें एक ही पेड़ की विविधता नहीं पाई जाती कि एक तरफ से सीसम के पेड़ लगे हैं लेकिन ऊंच कटबंदी पड़पाती वनों में वनों की तो बिल्कुल एक कतार सी होती है अर्थात एक ही जैसे वे पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं इसलिए इनका दोहन भी खूब किया जाता है और एक काफ़ी महत्वपूर्ण लकड़ी होती है सागौन हो गया साल हो गया सागौन इमारती लकड़ी होती है आपको भी बेड वेड लेने जाइए बोलेगा सागौन का है सब बेड से थोड़ा महंगा ही देगा तो ताड़ हो गया शीशम हो गया शीशम देखिए इमारती लकड़ी शीशम भी है ये सब क्या पाए जाते हैं कटीले वन की बात करेंगे अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर आते हैं कटीले वन इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर खैर भारत में उसका डिवीजन नहीं है लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं एक शीतोष कटबंधी पड़पाती वन होते हैं ऊंच कटबंधी पड़पाती वन जो होते हैं वो गर्मियों में अपनी पत्ती गिराते हैं और शीतोष कटबंदी पड़पाती वन वे वन होते हैं जो सर्दियों में अपनी ठंड से बचने के लिए पत्ती गिरा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आसपास के इस टाइम पर पे पेड़ों पर पे नज़र कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से पेड़ आपके नज़र में है जो इस टाइम पर पत्ती गिराए हुए हैं तो वो सब किस में शीतोष कटबंदी पड़पाती वन में आ जाए खैर कटीले वन में आते हैं इनमें वर्षा सत्तर सेंटीमीटर से कम ऊष्ठ गठबंधी पड़पाती वन में सत्तर से दो सौ सेंटीमीटर थी जिसमें सत्तर से सौ है वो शुष्क है और सौ से दो सौ के बीच में शीत मतलब आद्र वाला है अब सत्तर से जो होगी इसमें कटीले वन आएंगे कटीले वनों में हम देखेंगे तो सत्तर सेंटीमीटर से कम वर्षा ये गुजरात राजस्थान पंजाब के क्षेत्रों में पाए जाएंगे बबूल खजूर नागफनी इनमें मुख्य हैं तो ये वाला क्षेत्र आप ले लीजिए ये क्या है ये वाला क्षेत्र इसमें आएगा ये वाला क्षेत्र है इनमें आप देखेंगे तो बबूल के पेड़ मिलेंगे खजूर के पेड़ मिल जाएंगे ये ऐसे पेड़ होते हैं टैमरिस्ट के पेड़ मिल जाएंगे तो ये सब पेड़ अकेसी जिस बबूल को ही बोलते हैं तो ये सब पेड़ आपको मिल जाएंगे तो इनमें क्या होता है इनकी जड़ें वगैरह काफ़ी अंदर कांटे एक तो कांटेदार होते हैं कांटेदार इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें पत्तियाँ क्या होती कांटों का रूप ले लेती हैं ताकि क्या हो कि इनके अंदर की नमी बची रहे और ये क्या हो अपनी जो नमी है उसको बचाए रखें पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं क्योंकि जब 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 पत्तियाँ बड़ी होंगी तो वास्पोसेंग क्रिया होगी खूब तेज़ धूप पड़ेगी तो पत्तियाँ बहुत तेज़ी से सूख जाएंगी और जो इनके जो तना होता है काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है तना काफ़ी बबूल के तने को कभी छेद के देखेगा तो आपको पता चलेगा का, काफ़ी मोटा तना होता है और एक इस तने के अंदर क्या होता है अपना पानी वगैरह काफ़ी बचा करके रखते हैं इसी वजह से इन क्षेत्रों में कौन कौन से पेड़ मिलेंगे इनमें आप देख लीजिए तो एग्ज़ाम्पल के तौर तो पर मैंने बताया बबूल हो जाएगा खजूर हो जाएगा नागफनी के जैसे पेड़ और गुदेदार होते हैं जो छोटे पेड़ हैं उनमें गुदेदार पौधे देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम्पल के तौर तो पर एलोवेरा वगैरह भी आप देख सकते हैं तो ये हो गया कटीले वन उसके बाद में आएंगे हम पर्वतीय वनों में पर्वतीय वनों में आप कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टुंड्रा हो गया टैगा हो गया लेकिन एक नॉर्मल में पर्वतीय वनूँ इनको शंकुधारी वन भी कहते हैं इनकी ये क्या होता है बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसे आपको दिखेंगे बिल्कुल इनका उल्टा वी के जैसे सेफ होता है ताकि और इनकी पतियाँ काफ़ी नुकीली होती हैं सुई के जैसी नुकीली और नुकीली होने के पीछे कई कारण हैं ताकि बर्फ़ जब इन पे वो बर्फ़ करे तो बर्फ़ नीचे चली जाए बाष्पोसर्जन की क्रिया कम हो सके इसलिए यहाँ पर आपको नुकीली पत्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं इग्जाम्पल के तौर पर आप कश्मीर का क्षेत्र ले लीजिए उत्तराखंड का ले लीजिए हिमाचल के क्षेत्र ले लीजिए इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे ऊंचाई के आधार पर पेड़ बदलते चले जाते हैं आप जब जाएंगे कभी आप हिमाचल के क्षेत्र में जाइए तो आपको जैसे जैसे आप उत्तर भारत मतलब यूपी के रहने वाले हैं तो आप जाएंगे तो आप जैसे जैसे वहाँ पहुँचते जाएंगे तो आपको बिल्कुल एक अलग इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा आप उत्तराखंड चले जाइए नैनीताल वगैरह चले जाइए तो आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो आपको वनस्पतियों में चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे उनमें आप देखेंगे चीड़ हो गया स्प्रूस हो गया देवदार हो गया ये सब पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पर तो सेब के पेड़ मिल जाएंगे सेब भी है सेब भी मिल जाएगा आपको फिर ज्वारीय वन क्या होता है ज्वारी वन के बारे में देख लें वन अर्थात जहाँ पर ज्वार वगैरह आता हो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर समुद्री और नदियों का जल आपस मिलता हो उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप गोदावरी का डेल्टा ले लीजिए आप सुंदरवन का डेल्टा ले लीजिए इधर आप कच्छ के क्षेत्र के ले लीजिए इन क्षेत्रों में आपको इधर मन्नार की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में ले लीजिए तो आपको ये ज्वारी वन देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पर पौधों की बात करें तो इनमें मैनग्रोव है मैनग्रोव ऐसा पौधा होता है जो अर्थात ये खारे पानी में बहुत ही इको सिस्टम में देखें तो ये काफ़ी अहम पौधों में से एक है।, है ये इनकी जड़ें क्या होती हैं बाहर की ओर निकली रहती हैं ये खनिज लवड़ तो नीचे से लेते हैं पानी क्या होता है वायवी जड़ें पाई जाती हैं जो पानी के बाहर निकल आती उन हैं उनसे पानी वगैरह उनसे लेती खारा पानी लेंगे तो मर जाएंगे एग्जाम्पल के तौर तो पर कोई गमला लगा उसमें एक किलो नमक डाल दीजिए पेड़ का काम तमाम हो जाएगा लेकिन डालिएगा नहीं नहीं पेड़ मर जाएगा लेकिन बता रहा हूँ आपको तो उसको इसी तरीके लेकिन ये क्या है नमक नीचे से लेते ही नहीं नमक क्या लेते नमक की जड़ें ऊपर होती हैं ऊपर की ओर जड़ें निकली होती हैं उसी में आप सुंदरी वृक्ष आप देखें तो कुछ और नहीं है वही है सुंदरी मैनग्रोव वनस्पति का ही प्रकार कह सकते हैं वनस्पति है तो सुंदरी वृक्ष के नाम से सुंदरवन डेल्टा नाम दे दिया गया है अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी मिलती है और अंडमान निकोबार के क्षेत्र में भी क्या होता है यहाँ पर ये वन भी यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं तो जो पश्चिमी घाट में वो यहाँ भी है तो ये तो हो गई कैटेगरी मैंने डिवाइड कर दिया और उम्मीद करता हूँ खैर ये तो है भारत के वर्गीकरण भारत में वनस्पतियों का वर्गीकरण है एक वीडियो में मैं विश्व की वनस्पतियों का वर्गीकरण लेकर के आऊँगा तो देखिए आप यहाँ पर जो मैंने बताया है तो आप इसमें देखिए ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो भारत में ना मिलती हो भूमध सागरी भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाएगी खट्टे जैतून वगैरह संतरा वगैरह सब आपको सहारनपुर में मिल जाएगी सहारनपुर देखिए संतरा होता है तो ऐसे तो होता नहीं थोड़ा बहुत जलवायु तो जरूर होगी शीत ऋतु में बारिश भूमध सागरी जलवायु की विशेषता है इस टाइम बारिश हो रही है तो वही विशेषता है तो खैर लेकिन ये इसको हम पूरी तरीके से भूमस सागरी जलवायु नहीं कह सकते आपको मैं कटेगराई में कैटेगराइज में बताऊँगा आपको आगे जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको पूरे अच्छे तरीके से विश्व की अर्थात पूरे जो विश्व के बारे में जो वहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं उनके बारे में डिवीजन करूंगा वनस्पतियों का क्षत्रीस वितरण वनस्पतियों का ऊर्ध्वाधर वितरण भारत में क्षत्रिस के साथ ऊर्ध्वाधर भी देखने को मिला रहा है पर्वती यहाँ पर भी है पर्वतीय थोड़ा बहुत पश्चिमी घाट में भी है क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है ये देखिए यहाँ पर मैंने बना रखा है ये पूरी तरीके से मरुस्थल है इसमें कुछ भी नहीं है थोड़ा बहुत आपको झाड़ियाँ वगैरह थोड़ी बहुत दिख जाएंगी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए तो कैक्टस वगैरह थोड़े बहुत दिख जाएंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं पानी नहीं तो कुछ नहीं पानी यहाँ पर ज़्यादा इसलिए बने यहाँ पर वनस्पतियाँ ज्यादा पानी यहाँ पे कम है इसलिए यहाँ पर आधी वनस्पतियाँ और भी कम तो ये ऐसी वनस्पतियाँ और भी कम तो ऐसा है और भी कम तो ऐसा है देखिए इस तरह बढ़ते चले जाइए वनस्पतियाँ घटती चली जा रही है ये 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 पानी की कमी के आधार पर डिवाइड मैंने कर दिया आप समझ जाएं समझने की कोशिश करेंगे सब समझ में आ जाएगा कुछ और स्पेशल नहीं है किताबों में उलझेंगे किताबों बहुत अभी मैं भी देख रहा था कई किताबों में तो काफ़ी उलझा दिया गया है चीज़ें समझ में आ नहीं रही कैसे कैसे, कैसे इसको डिवाइड किया जाए तो उसमें कोई बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है सब चीज़ें नॉर्मल है जो चीज़ें उनको समझिए अच्छे से आप समझिए आपको समझ में आ जाएगा जैसे मैंने पर्वती बताया तो उधर जम्मू कश्मीर में ले लीजिए और इधर जम्मू कश्मीर के बाद आप ले लीजिए तो यहाँ पर आपको हिमाचल उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल इन क्षेत्रों में मिल जाएगी थोड़ा बहुत इधर मणिपुर के क्षेत्रों में भी मिल जाएगी तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और हमें